तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक सिल्वर मेटालिक ड्रेस है और इसे हम कैसे कलर कर सकते हैं आज हम वो जानेंगे और इसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैंने वो भी बताया था आपको, ये आपको आगे मालूम पड़ेगा। सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया फैशन आर्ट स्टूडियो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मुझसे एक मिस्टेक हो गई है कि मुझे वो जिसमें मैंने ड्रॉ करके दिखाया था कि आप कैसे इस ड्रेस को ड्रॉ कर सकते हैं, वो क्लिप मालूम नहीं कैसे वो मिसप्लेस हो गई। यहाँ पे मैंने फ़ोटो उसके लिए थे, कैप्चर किए थे, उसके क्लिप मैंने यहाँ पे लगा रही हूँ। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसके जो बॉटम पार्ट को कलर करेंगे ब्लैक से, और ब्लैक में मैं किए हैं वो है येलो एंड रेड। बेसिकली मेरा इसमें दो कलर ऐड करने का मेन पर्पस ये था कि अगर आप इसमें येलो ऐड करते हैं ब्लैक के साथ या किसी भी कलर के साथ तो वो कलर वार्म टोन के कहलाते हैं, तो इसलिए मैंने उसमें येलो ऐड किया। एंड रेड ऐड करने का मेरा मेन पर्पस ये था कि उससे मुझे जो ब्लैक के जो कलर हैं वो मुझे डार्क चाहिए थे, इस वजह से मैंने रेड ऐड किया। अभी जो आपको कलर दिख रहे होंगे वो अनइवन से दिख रहे होंगे, बट जैसा कि मैं पहले भी बताया है, अगर आप ड्राई एंड वेट टेक्निक यूज़ करते हैं मीन्स आपके फर्स्ट जो लेयर हैं वो कम्प्लीटली ड्राई हो जाने चाहिए, उसके बाद आप सेकेंड और थर्ड लेयर अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि आपको कलर चाहिए जितना डार्क चाहिए उसके अकॉर्डिंग अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको आपके रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, और मैंने आगे आपको दिखाया भी है। तो यहाँ पे मैंने वेलवेट टेक्सचर को लिया है, तो यहाँ पे बहुत से बिगिनर्स होते हैं उनको बेसिकली प्रॉब्लम होती है डार्क कलर के साथ। तो वेलवेट में क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको लाइट एंड डार्क को मतलब बैलेंस में यूज़ करने होते हैं कलर को। तो अगर आप लाइट अच्छे तरह से आपने कर लिया और डार्क को उस पर बहुत अच्छी तरह से अगर आप नहीं कर पाते हैं और तो क्या होता ना, वो वेलवेट टेक्सचर आपको अच्छे से विजिबल नहीं होते हैं। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे बहुत ही इजी प्रोसेस के साथ आपको बताया है कि आप किस तरीके से वेलवेट के टेक्सचर को शो कर सकते हैं अपने इलस्ट्रेशन में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ब्लैक लिया, ब्लैक से मैंने बॉटम के जो बेस कलर है वो मैंने लिए और उसे थ्री लेयर में कंप्लीट किया। नाउ अभी हम करने जा रहे हैं, मैंने वाइट के साथ ब्लैक को मिक्स किया और उसके लाइट शेड मीन्स ग्रे टोन को मैंने क्रिएट किया, एंड अभी मैं उसे यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं। बट आपको बहुत ही अच्छी तरह से इसे यूज़ करना होगा, बहुत ही केयरफुली, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ऐसे यूज़ करते हैं वो हार्श लाइन दिखेंगे। आपको कलर को मर्ज भी करना होगा दूसरे कलर के साथ। तो चलिए अब हम चलते हैं टॉप की तरफ, और टॉप के लिए मैंने सेम कलर ही लिया है ग्रे कलर, बट यहाँ पे अभी हमने क्या करना है कि वाइट की क्वांटिटी को थोड़ा ज़्यादा लेना है ताकि जो कलर के इफ़ेक्ट है वो थोड़े लाइट दिखें, और इसे हमें वाटर की क्वांटिटी को भी इसमें ज़्यादा रखना है, डार्क नहीं चाहिए यहाँ पर। और अब हम यहाँ पर इसके लिए मैंने तीन कलर यूज़ किए हैं, ब्लैक, वाइट एंड ब्लू,
क्योंकि ब्लू मैंने इसलिए लिया है, यहाँ पे मुझे कूल टोन्स शो करने हैं इसके टॉप में और बॉटम में। जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे वार्म टोन शो करने थे तो उसके लिए मैंने येलो मिक्स किया, और अगर आपको कूल टोन शो करने हैं तो उसके लिए आपको ब्लू मिक्स करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्लू मिक्स किया है और आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से यूज़ किया है ताकि जो इसके टॉप है वो मेटैलिक दिखे। और यहाँ पर मैंने सिल्वर मेटैलिक को शो किया है क्योंकि जब भी आप सिल्वर के यूटेंसिल्स या कुछ भी आप देखते हैं मेटैलिक, तो वहाँ पे आपको कूल टोन शो होंगे ही। तो फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल आपको कैसे लगे अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, एंड ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग अगर आपके पास कोई भी सजेशंस एंड क्वेरीज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड इफ़ यू लाइक माय ट्यूटोरियल देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर टू योर फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू आर न्यू देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन, जिससे कि मेरे हर आने वाली ट्यूटोरियल आप तक पहले पहुँचे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून विद द न्यू ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।